बुलंदशहर से ऋषु कुमार की रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने दो मादक पदार्थ तस्करों को 2 क्विंटल 40 किलो मादक पदार्थ गांजा सहित किया गिरफ्तार। मादक पदार्थ गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख। उड़ीसा राज्य से झाड़ुओं के नीचे छुपाकर टाटा गाड़ी से मादक पदार्थ दिल्ली जा रहे थे तस्कर बेचने। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार त्यागी ने मैफोस के रात समय करीब 12:20 पर अलीगढ़ से आ रही टाटा गाड़ी को दोनों तस्करों सहित किया गिरफ्तार। गाड़ी तलाशने पर झाड़ुओं के नीचे छुपा रखा था मादक पदार्थ। 1 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया सर। कितने लोग गिरफ्तार हैं, क्या पूरा होंगे? कोतवाली देहात पुलिस को ये सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी कि बड़े भारी मात्रा में गांजा एक गाड़ी में रख करके कुछ लोग ले करके आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर कोतवाली देहात सुधीर त्यागी और उनकी पूरी टीम इसमें लगी और लग करके इन्होंने बलीपुरा नहर के पास से एक कैंटर को पकड़ा। उस कैंटर से करीब 2 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद हुआ है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पूरा गांजा जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से ये लोग संगठित तरीके से ये लोग ले करके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से वहाँ से गाड़ियों में भर करके और उसके ऊपर झाड़ू आदि रख करके उसको दूसरा स्वरूप दे करके ले करके आते हैं और यहाँ पर विभिन्न स्तरों पर सप्लाई करते हैं। कई जगह ये अलीगढ़ में भी सप्लाई करते हैं और लोकल भी यहाँ सप्लाई करते हैं। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पीछे जितने लोग हैं और आगे जितने भी लोग हैं जिनसे ये ले करके आ रहे हैं और जिनको ये बेच रहे हैं, इस पूरे गिरोह का के बारे में विस्तृत जांच की जा रही है। अभी इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये काफ़ी बड़ी गिरफ्तारी है। इसके गांजे की जो कीमत बताई गई है वो 1,000 रुपया प्रति किलो के हिसाब से ये यहाँ पर बेच रहे हैं और वहाँ से करीब 250 रुपये किलो लेकर के आते हैं और यहाँ 1,000 रुपये किलो बेचते हैं। एक बहुत ही बड़ा नेक्सस है। इसके बारे में एक अच्छी सफलता है और आगे विस्तृत जानकारी भी की। सर लगभग कितनी कीमत का होगा? ये करीब 35 लाख रुपए के आसपास की कीमत का है और विस्तृत जांच और भी की जा रही है। इसकी कीमत की जानकारी भी की।